नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृत्ति ब्याज से अस्सी हजार रुपए के दो वर्ष बाद बीस प्रतिशत की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे अब देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है छह महीने में ब्याज लगना है ना कि एक साल में तो टोटल अमाउंट कितनी है हमें टोटल अमाउंट देखनी है वो है अस्सी हजार ठीक है और समय कितना है दो वर्ष देखिए अगर मैं ब्याज साल में एक बार लूं तो उसको बोलते हैं वार्षिक लेकिन अर्धवार्षिक है तो अब ब्याज कितनी बार लगेगा चार बार तो चार अर्धवार्षिक होगा ठीक है दूसरी बात 20 प्रतिशत की वार्षिक दर अब दर कितनी है 20 प्रतिशत की वार्षिक है वार्षिक है ना अगर मैं वार्षिक को यानी सालाना एनुअली ठीक है ना अगर वार्षिक को अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करूं तो दो से भाग देना पड़ेगा ठीक है अब दर नई दर कितनी आई है दस प्रतिशत परसेंट और टाइम कितना आ गया अर्ध चार अर्धवार्षिक यानी चार बार ब्याज लगेगा ठीक है दस परसेंट का मतलब होता है टेन परसेंट को अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूं तो वन बाई टेन होता है कैसे आया टेन परसेंट को आप लिखिए टेन बाई हंड्रेड दैट इज इक्वल टू वन बाई टेन ठीक है ना तो पहली अर्धवार्षिक में थोड़ा सा ध्यान से देखिए पहली अर्धवार्षिक में अस्सी हजार रुपये पे वन बाय टेन यानी अस्सी हजार का दसवां हिस्सा क्या रहेगा ब्याज के रूप में लिखा जाएगा तो अस्सी हजार का दसवां हिस्सा कितना है आठ हजार तो पहली अर्धवार्षिक में यानी पहले छह महीने में आठ सौ रुपये सॉरी आठ हजार रुपये ब्याज मिला दूसरी में देखते हैं दूसरे में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज तो अस्सी हजार के ऊपर वन बाय टेन करेंगे तो वन बाय टेन में हर बार नहीं लिखूंगा दसवां हिस्सा बैस अस्सी हजार का दसवां हिस्सा आठ हजार रुपये ब्याज और आठ हजार रुपए के ऊपर दसवां हिस्सा आठ सौ रुपये ब्याज यह दूसरी अर्धवार्षिक था अब तीसरा अर्धवार्षिक देखते हैं आठ हजार अस्सी हजार के ऊपर आठ हजार रुपये और आठ और आठ सोलह हजार के ऊपर दसवा हिस्सा यानी सोलह सो रुपये ब्याज और आठ सौ के ऊपर अस्सी रुपए ब्याज ठीक है ना क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज भी है अब बात करते हैं फाइनल फोर्थ जो है उसके ऊपर ब्याज अस्सी हजार के ऊपर मिला आठ हजार रुपये तो अब देखिए आठ हज़ार सोलह हज़ार चौबीस हजार चौबीस हज़ार के ऊपर दसवा हिस्सा चौबीस सौ रुपये ब्याज के रूप में फिर ये आठ सौ और ये सोलह सौ कितने हो गए चौबीस सौ रुपये चौबीस सौ के ऊपर हो गया ब्याज दो सौ चालीस रुपये अस्सी के ऊपर ब्याज हो गया आठ रुपये ठीक है ना अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इन अमाउंट को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा सैंतीस हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये ये क्या आ गया सैंतीस हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये क्या है ब्याज है और मूल क्या था अस्सी हज़ार रुपये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास आएगा एक लाख सत्रह हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है